हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीटी एकेडमी। देखिए, आज का हमारा जो लेक्चर है वो 12th क्लास के लिए है। 12th क्लास में हमारी जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो बुक है उसके हमने 4.2 के 28 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे, देखिए आगे 29 क्वेश्चन। देखिए, आपका हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है इसके इक्वल। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि आपका 1-1 है नहीं है, किसी भी रो में 1-1 आपका नहीं है, ना ही कुछ कॉमन आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, R1 को तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, A से। जो R2 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे B से। जो R3 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे C से। उसके बाद डिवाइड भी करेंगे इसमें, डिवाइडिंग डिटरमिनेंट बाय ABC। मींस देखिए, यहाँ पे क्या है, BC है, A नहीं है इसमें, तो इसको हमने कर दिया A से मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है, AC, B नहीं है, इसको कर देंगे B से मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है, ABC नहीं है इसमें, इसको कर देंगे C से मल्टीप्लाई। और डिवाइड भी कर दोगे किसको, डिटरमिनेंट को, इस डिटरमिनेंट को ABC से। तो देखिए, हमने डिवाइड कर दिया ए बी सी। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, क्या बनेगा यहाँ पे, ए बी सी। इसको ए से करेंगे तो ए बी स्क्वेयर प्लस का ए बी सी, इसको करेंगे हम ए से ए सी स्क्वेयर प्लस ए बी सी। ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी से, क्या आ जाएगा आपके पास, बी ए स्क्वेयर प्लस का ए स्क्वेयर। बी से करेंगे ए बी सी, इसको बी से करेंगे ए बी सी, इसको बी से करोगे बी सी स्क्वेयर प्लस का ए बी सी। ऐसे इसको कर देंगे सी से, सी ए स्क्वेयर प्लस का ए बी सी। इसको सी से करेंगे सी बी स्क्वेयर प्लस ए बी सी, इसको सी से करेंगे माइनस का ए बी सी। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हीरो को मल्टीप्लाई किया है। अब कॉमन किस में से ले लेंगे, कॉलम में से। इसमें से देखिए, ए कॉमन आ जाएगा आपका, इसमें से बी और इसमें से सी। तो टेकिंग कॉमन आउट ए बी एंड सी फ्रॉम C1, C2 एंड C3 आर रिस्पेक्टिवली, कि जो C1 में है वहाँ से A कॉमन ले लेंगे इसमें से, और C2 में से ले लेंगे B कॉमन, इसमें से B कॉमन, और इसमें से C कॉमन, C3 में से कॉमन ले लिया हमने A B C। डिवाइड हमारा क्या है यहाँ पे, A B C। अब देखिए, जो वैल्यू बचती है हम वो लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ से हमने A कॉमन लिया है, बचेगा B C। यहाँ से A कॉमन ले लिया A B प्लस का B C, यहाँ से बचेगा A C प्लस का B C, कि एक कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू बचती है आप वो लिख लोगे यहाँ पे। इसमें से कॉमन आ जाएगा आपका बी, देखिए दोनों में से बी कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे, ए बी प्लस ए सी, यहाँ से बी कॉमन लिया है माइनस ए सी, यहाँ से बी कॉमन लिया है बी सी प्लस, यहाँ से आपने बी कॉमन लिया, क्या बचेगा ए सी। इसमें से सी कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा ए सी प्लस ए बी, यहाँ से लिया हमने सी कॉमन, क्या बचेगा बी सी प्लस का ए बी, इसमें से सी कॉमन लिया है माइनस का ए बी, ये वैल्यू बचेगी आपकी। अब देखिए, हमारे पास जो प्रूफ में है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है। अब देखिए, ए बी बी सी ए सी, इन तीनों को ऐड करते हैं हमारे, देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, मीन्स R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड कर देंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 की। R1 में ऐड कर देंगे R2 R3 को, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी यहाँ पे, ए बी बी सी ए सी, बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ऐसे इनको आप ऐड करोगे, ए सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ऐसे ही इसके अंदर यहाँ से ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए बी बी सी ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बाकी जो वैल्यू है वो हम सेम लिख देंगे, ए बी प्लस बी सी ए सी प्लस बी सी माइनस का ए सी बी सी प्लस ए सी, यहां से बी सी प्लस ए बी, इसमें बचेगा माइनस का ए बी। आगे अब इसमें से आपका पास कॉमन क्या है, देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों में सेम वैल्यू है, हम कॉमन ले लेंगे इसमें से। अब टेकिंग कॉमन आउट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसमें से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, या जो बचेगा वो लिख देंगे इसके अंदर, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, बाकी वैल्यू हमारी सेम रहेगी, ए बी प्लस बी सी ए सी प्लस बी सी, यहाँ पे माइनस का ए सी बी सी प्लस ए सी, यहाँ पे बी सी प्लस ए बी माइनस का ए बी। अब उसके बाद देखिए, हमारे पास क्या आ गया, इसमें वन वन आ गया, वन वन आ गया, तो हम क्या कर देंगे इसमें से कोई भी दो वैल्यू जीरो बना देंगे, C1 माइनस C2 ये जीरो आ जाएगा,
और सी टू माइनस सी थ्री ये भी आपका जीरो आ जाएगा। तो देखिए इसमें आगे अब सी वन माइनस सी टू, दूसरा ऑपरेशन सी टू माइनस सी थ्री, दो वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, दोनों ये जीरो बन जाएगी। अब आगे देखिए यहाँ पे कर देते हैं, अब देखिए आगे अप्लाई कर देंगे ये जो ऑपरेशन हमारा सी वन माइनस सी टू की, इसमें सी माइनस कर दोगे आप, क्या बचेगा आपके पास ये वन माइनस वन जीरो, इसमें से आप ये माइनस करोगे ये वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी पॉजिटिव, क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसे ही इसमें से आप ये माइनस करोगे, देखिए ए सी से ए सी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, क्या बन जाएगा आपके पास ये जीरो। ऐसे सेकेंड ऑपरेशन सी टू माइनस सी थ्री, वन माइनस वन जीरो, इसमें से आप ये माइनस करोगे, देखिए ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारे दोनों किसकी हो जाएगी नेगेटिव, तो माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, हमने क्या किया इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसे ही इसमें से अब ये माइनस कर देंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और हमारी जो सी थ्री है वो आपकी सेम रहेगी। आप कर देंगे इसको एक्सपेंड, एक्सपेंड कैसे करोगे आर वन से, कि हमारी दो जीरो किस में है आर वन में है, तो इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग आर वन, ठीक है, जो हमारा जो कॉमन है वो भी आप लिखोगे यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब उसके बाद देखिए इसको छोड़ देंगे जीरो है, इसको छोड़ देंगे जीरो है, उसके बाद क्या है यहाँ पे ये वन है, वन हमारी जो पोजिशन है वो कहाँ पे है ए वन थ्री की फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो को छोड़ देंगे थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, देखिए ऐसे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, ये हमारा क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का होल स्क्वायर बन जाएगा हमारा ये, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस का ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी मल्टीप्लाई करोगे जीरो, तो जीरो हो जाएगा, जीरो आप लिखो से मत लिखो, तो देखिए यहाँ पे दो पावर है यहाँ पे वन पावर है, तो हमारा क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का होल क्यूब, ये आपके क्या आ गए इसमें राइट हैंड साइड। नंबर 30 है वो करेंगे इसमें, अब देखिए इधर क्या हमारे पास ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र है, हम इसको देख के हम इसको प्रूव कर देंगे, देखिए यहाँ पे क्या है ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, यहाँ पे ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, अब यहाँ पे देखिए बी और सी का होल स्क्र है, पहले यहाँ पे क्या करेंगे जो आइडेंटिटी है उसको ओपन कर देंगे, यहाँ पे ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र ए स्क्र, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी। अब देखिए यहाँ पे मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि बाहर में नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव आपका क्या हो गया यहाँ पे ये पॉजिटिव, ऐसे इसको ओपन कर देंगे बी स्क्र माइनस सी स्क्र प्लस का ए स्क्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है इसमें, और ये प्लस का टू ए सी मीन्स ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस टू ए सी, तो यहाँ पे क्या है माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस ये वहाँ पे बीच में माइनस आता है आइडेंटिटी में, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ऐसे इसमें ए स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस बी स्क्र प्लस टू ए बी, बाकी जो आर थ्री सी थ्री है वो आपकी सेम रहेगी इसमें। अब उसके बाद देखिए अब ऑपरेशन कैसे लगेगा, देखिए इसमें ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र तो हमारा यहाँ पे है ही है, अब देखिए क्या करेंगे इसमें कि सी टू में हम चेंज करेंगे कि सी टू माइनस का इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे टू से टू सी वन, ठीक है, जब इसको टू से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा टू ए स्क्र आ जाएगा, टू में से वन माइनस करेंगे तो आपका वन बचेगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे क्या है बी सी भी है, तो इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू बी सी कैंसिल मीन्स जो सी थ्री है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे थ्री से, देखो एक सोल्व करके दिखा देते हैं बाकी दोनों आप कर लेना इसमें, देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे सी टू, सी टू में फर्स्ट एलिमेंट ले लिया हमने ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस सी स्क्र माइनस बीच में माइनस है टू सी वन, जो सी वन में उसको टू से मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस सी थ्री जो सी थ्री में उसको टू से मल्टीप्लाई टू बी सी। अब यहाँ पे देखिए और वैल्यू क्या थी इसमें ये प्लस का टू बी सी और था, हमने लिखा नहीं यहाँ पे प्लस का टू बी सी, तो आपका टू बी सी कैंसिल, टू में से हम वन माइनस कर देंगे माइनस का ए स्क्र माइनस का बी स्क्र माइनस का सी स्क्र, इसमें से कॉमन आ जाएगा माइनस, तीनों वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी पॉजिटिव की, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी आपके पास ये ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र नेगेटिव में, ऐसे ही आपकी वैल्यू यहाँ पे बचेगी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र नेगेटिव,
ऐसे यहाँ पे आ जाएगा आपका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। बाकी जो ये वैल्यू है आपकी सेम रहेगी इसमें, ठीक है। यहाँ तक आ गया आपको अच्छे से समझ में। अब आगे देखिए, क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है, बस फिर सिर्फ आपने स्टेप जो मेथड है वो आपने ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप हम कहाँ से क्या करना है, इसको देख के सोल्व करना है या फिर वन वन बनाना है, वो आपने ध्यान रखना है, वो आपकी प्रैक्टिस से हो जाएगा इसमें। अब उसके बाद देखिए, इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, माइनस का कॉमन आ जाएगा और ये वैल्यू भी कॉमन आ जाएगा आपकी, तो टेकिंग कॉमन आउट माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर फ्रॉम सी टू, कि सी टू में से हमारा कॉमन आ रही है, जो कॉमन है वो लिख लेंगे बाहर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। क्या वैल्यू बचेगी यहाँ पे, वन वन वन, बाकी जो सी वन है और सी थ्री आपकी सेम रहेगी। बी सी सी ए बी आपकी क्या रहेगी इसमें, सेम रहेगी। अब उसके बाद देखिए हमारी क्या बन गया इसमें, वन वन। अब वन वन है तो हम दो जीरो बना सकते हैं, इसे हम ये माइनस कर देंगे तो आर वन माइनस आर टू और आर टू माइनस आर थ्री, आर वन माइनस आर टू, आर टू माइनस आर थ्री, जो कॉमन है वो हम सेम लिखेंगे इसके अंदर। अब देखिए आर वन माइनस आर टू, कि इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसमें से माइनस करोगे जीरो, इसमें से ये माइनस करोगे क्या बचेगा यहाँ पे, बी सी माइनस सी ए, इसमें सी माइनस हो गया। अब आर टू माइनस आर थ्री, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, वन माइनस वन जीरो, इसमें से माइनस कर देंगे सी ए माइनस ए बी, बाकी जो आर थ्री है वो आपकी सेम रहेगी इसके अंदर। अब आगे देखिए, जहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे इसमें, माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ भी ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे जो सी स्क्वेयर वो आपका सेम रहेगा, बाकी वैल्यू हमारी सेम लिख देंगे इसमें ये सी टू की। अब इसमें देखिए आपके पास जो कॉमन है वो क्या है, माइनस का सी, यहाँ पे क्या बचेगा ए माइनस बी, हमने माइनस क्यों लिया क्योंकि यहाँ पे क्या है ए माइनस बी है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तभी आपके पास ए माइनस बी बनेगा, यहाँ पे इसमें से माइनस का ए और ये भी आपकी सेम रहेगी। अब देखिए आपका इसमें से आगे देखिए, अब इसमें से जो कॉमन है वो क्या आपका, देखिए इसमें से ए माइनस बी, इसमें से क्या है बी माइनस सी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन आउट, कॉमन आउट ए माइनस बी बी माइनस सी फ्रॉम आर वन एंड आर टू, की आर वन में से और आर टू में से आपका कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या है ए माइनस बी बी माइनस सी, और एक हमारा जो कॉमन है वो भी लिख लेंगे बाहर यहाँ पे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। अब देखिए जो वैल्यू बचेगी वो लिख देंगे, यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी, ए माइनस बी कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा बी प्लस सी, यहाँ बचेगा सी स्क्वेयर, यहाँ पे जीरो जीरो वन, माइनस का सी माइनस का ए ए बी। अब क्या कर देंगे इसको एक्सपेंड कर देंगे, किससे, सी टू से, एक्सपेंडिंग सी टू, जो कॉमन है हम वो लिख देंगे बारिश में, ए माइनस बी। अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या है, ये जीरो ये जीरो ये छोड़ देंगे, ये हमारी जो पोजिशन है वो क्या है, थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मीन्स ए थ्री टू, तीन और दो पाँच, ओड है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। अब बाकी जो एलिमेंट बच गए उसका कर देंगे डिटरमिनेंट, ये वैल्यू बचेगी हमारी, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का ए स्क्वेयर माइनस का ए बी, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में साइन हमारा किसका आता है इसमें, नेगेटिव का आता है इसमें। अब इस यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, बी सी प्लस सी स्क्वेयर। अब आगे देखिए इसमें माइनस का ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ए माइनस बी बी माइनस सी, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव आपका क्या हो गया इसमें, ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इसको लिख लेंगे एक साथ, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, यहाँ पे क्या है बी सी माइनस का ए बी। अब यहाँ पे फिर आइडेंटिटी लग रही है आपकी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी आप अप्लाई कर देंगे इसमें,
सी माइनस ए, सी प्लस ए, और आपका जो इसमें से कॉमन है वो क्या है, देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है आपका, बी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, सी माइनस ए। अब उसके बाद देखिए टोटल में से आपके पास कॉमन क्या है, सी माइनस ए, वो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, क्या बचेगा यहाँ पे, ए बचेगा, सी बचेगा और बी बचेगा, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए हमने जो प्रूव करना था हमारा वो ये, देखिए यहाँ पे ए स्के प्लस बी स्के प्लस सी स्केर हो गया, इसमें एक वैल्यू और थी हमारी जो प्रूव करनी है, ए प्लस बी प्लस सी भी आना चाहिए था इसके अंदर, ठीक है। तो ए माइनस बी भी हमारा आ गया, बी माइनस सी भी हमारा आ गया, सी माइनस ए भी आ गया, ए प्लस बी प्लस सी भी आ गया, तो ये हम इसमें प्रूव करना है। जो प्रूव करना है वहाँ पे आप ए प्लस बी प्लस सी भी लिख लियो, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 31। अब उसमें देखिए, अब देखिए हमने जो एक पार्ट किया, हमने प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट हमने किया हुआ है, वहां से आप उसको दे सकते हो। वहां पे हमारी एक प्रॉपर्टी क्या थी कि हमारे पास एक रो या फिर एक कॉलम में आपके पास वन से ज्यादा आपके पास एलिमेंट क्या है प्लस में, तो हम इसको क्या कर देंगे, उस डिटरमिनेंट को स्प्लिटिंग कर देंगे, मीन्स तोड़ देंगे इसको दो डिटरमिनेंट में। देखिए कैसे, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वन वन वन, पहले क्या करेंगे इन दोनों कॉलम के साथ लिख देंगे वन वन, उसके बाद बीच में साइन हमारा प्लस का रहेगा, उसके बाद एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, इसके साथ क्या लिख देंगे, पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। ये हमने जो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट करवाया था वहां पे हमने समझाया था आपको। अब आगे देखिए, इसमें से आपके पास कॉमन क्या है, एक्स, इसमें से वाई और इसमें से जेड और इसमें से आपका पी, तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन आउट, कॉमन आउट एक्स वाई जेड एंड पी फ्रॉम डिटरमिनेंट सेकंड, कि सेकंड डिटरमिनेंट में ऐसे हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे इसमें से, ठीक है। अब देखिए इसमें ये तो वैल्यू आपकी सेम रहेगी, एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर वन 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 प्लस, इसमें से हमने कॉमन लिया है एक्स वाई जेड पी, इसमें से x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, 1x x के, यहाँ से p भी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से y कॉमन लिया तो 1y y स्क्वायर, यहाँ से z कॉमन लिया है z, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा z स्क्वायर, और p भी हमने कॉमन ले लिया। अब उसके बाद देखिए जो दोनों डिटरमिनेंट है उसको हम सेम बना देंगे, देखिए आपका क्या है, जो 1 1 है इसके तो अंदर आगे आगे है सी 1 में, इसमें क्या है सी 3 में, तो इसको हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, मीन्स जो C1 है उसको हम इंटरचेंज कर देंगे किसमें, C3 में, C3 और C1 को दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। देखिए कितना आ जाएगा, 111, जो 11 है वो आपका आगे आ जाएगा, बाकी जो C2 है वो आपकी सेम रहेगी, और ये इधर आ जाएगा एक्स वाई जेड, कि जो C1 है वो C2 C3 बन गई, जो C3 है वो C1 में हमने इंटरचेंज कर दिया, बाकी जो सेकेंड जो डिटरमिनेंट है वो आपका सेम रहेगा। अब उसके बाद देखिए बीच में क्या है हमारा, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको आप इंटरचेंज करोगे सी टू और सी थ्री को, तो हमारे दोनों डिटरमिनेंट क्या आ जाएंगे इसमें, सेम। जब आप ऐसे चेंज करते हो हमारा साइन किसका लगता है, नेगेटिव का, ये भी हमने प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में आपको करवाया था। अब देखिए अब इसमें से क्या चेंज करेंगे, सी टू और सी थ्री, सी टू को इंटरचेंज कर देंगे सी थ्री में, तो फिर से हमारा बार क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, वन 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस एक्स वाई जेड पी, वन 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों डिटरमिनेंट हमारे सेम आ गए, आप कॉमन ले लेंगे इसमें से जो डिटरमिनेंट है ये, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, वन, यहाँ पे क्या बचेगा आपका एक्स वाई जेड पी, बाकी जो डिटरमिनेंट है हमने कॉमन ले लिया इसमें से। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं, जो हमारा एक है वो तो हमारा प्रूव आ गया, इसमें देखिए ये सिर्फ दो तीन वैल्यू बची है वो आपने सोल्व करना है। कैसे करोगे, ऑपरेशन लिख देते हैं आपका, कि इसमें से इसको माइनस कर दोगे कि आर वन, आर वन माइनस आर टू, अब आर टू माइनस आर थ्री, आर टू, आर टू माइनस आर थ्री, वन माइनस वन यहाँ पे जीरो, वन माइनस वन यहाँ पे जीरो, दो जीरो बन जाएगा। उसके बाद जो आइडेंटिटी आइडेंटिटी लगा दोगे, फिर एक कर दोगे एक्सपेंड किस से, सी वन से, कि जो आपका जो तीन वैल्यू बच गई हमारी ये भी प्रूव हो जाएगी इसके अंदर।
एक वैल्यू हमारी आ चुकी है ना, बाकी आप इसको आगे सोल्व करोगे तो आपका जो बाकी जो बची है वैल्यू वो भी आ जाएगी। तो आपने इसको सेल्फ खुद ही करना है इसको आगे। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, वो क्या कह रहा है, इसमें हमने इसको प्रूव करना है 1 के इक्वल। अब देखिए हमारे पास क्या है, 1 2 3 है। तो देखिए हम यहाँ पे 1 की हेल्प से आप यहाँ पे 0 बना सकते हो और 1 की हेल्प से ये भी 0 बना सकते हो। कैसे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 माइनस 2 या 0 आ जाएगा। ये बार करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 माइनस 3 यहाँ भी 0 आ जाएगा आपका। तो देखिए आर टू में चेंज करेंगे और आर टू में इसे क्या माइनस कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, किसमें, आर वन को। ऐसे ही आर थ्री को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आर वन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, और 3 माइनस 3 यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो दोनों ऑपरेशन वो अप्लाई कर देते हैं इसमें। देखिए आर वन आपका सेम रहेगा, उसके बाद देखिए 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। मीन्स यहाँ पे जो आर वन है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 प्लस 2p, यहाँ पे 2 प्लस 2p प्लस 2q, मतलब सभी के साथ 2 2 लगा देंगे मल्टीप्लाई में। अब देखिए इसमें से आप ये माइनस करोगे, 3 में से 2 माइनस करोगे, 1 2p 2p 0 हो जाएगा। 4 में से हम 2 माइनस कर देंगे, 2 बचेगा। 3p में से 2p माइनस करेंगे, 1p बचेगा। 2q 2q आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। अब देखिए जो R3 में है वहाँ पे लगा देंगे ऑपरेशन। अब 3 माइनस 3 इसको करेंगे, अब 3 से मल्टीप्लाई, 3 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा, 0। 6 में से 3 माइनस करोगे, 3 3p 3p 0 हो जाएगा। 10 में से आप 3 माइनस करोगे, 7। 6 में से 3 माइनस करोगे, 3p 3q 3q आपका क्या हो गया, यहाँ पे 0। अब उसके बाद देखिए हमारी क्या आ गई, इसमें 2 0 आ गई। अब क्या कर देंगे इसको एक्सपेंड, एक्सपेंड किससे करोगे आप, जिसमें 2 0 है, किसमें है आपके, C1 में। अब देखिए ये 0 छोड़ देंगे, हमारा जो एलिमेंट है ये कहाँ पे है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। बाकी जो एलिमेंट बचेंगे उसको निकाल देंगे डिटरमिनेंट, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, 7 प्लस 3p, बीच में साइन नेगेटिव का, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 2 6 प्लस 3p, 7 प्लस 3p -6 -3p। या आप देखिए 3p 3p कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव, 7 में से 6 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, ये 1 आ जाएगा। यही हमने इसमें राइट हैंड साइड में इसमें प्रूव कर रहा था। छोटा सा क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट भी है आपका ये, ठीक है। तो देखिए आज हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, इसमें 29, 30, 31, 32 चारों क्वेश्चन आपने अच्छे से कवर करने हैं इसमें। और जो न्यू स्टूडेंट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक यू।